आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में देखिए मेरे यहाँ देहरादून सेंटर है ये ट्रेनिंग सेंटर है इसमें एक आगरा से आए हुए ये नेवल ऑफिसर है मर्चेंट ने भी में है, इन, 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 इन वहां से नौकरी छोड़ के अब ये डेयरी शुरू करना चाहते हैं इनके पास काफी लैंड है तो ये मेरे पास चार चौबीस तारीख से जुड़े है पहले इन्हें ऑनलाइन की अब ये ऑन फार्म यहाँ पे कर रहे है ये अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे बताइए बताइए जी मेरा नाम ध्रुव है मैं मर्चेंट नेवी से हूँ और मैंने अपना डेयरी फार्म खोलने का सोचा तो मैंने जैसे ऑनलाइन देखा ये सब किया उसके बाद मेरे को ये पता चला कि प्रैक्टिकली इसको इसका मैनेजमेंट समझना इसमें जो मेन समस्या है ये जो रिपीट ब्रीडिंग की और मैस्टाइटिस और भी कई बीमारियां हैं तो वो हमको पता होना चाहिए एज ए डेयरी फार्मर फीडिंग का उस वो मैनेजमेंट में जितना भी कैसे आपका कैसे जानवर खरीदना है कैसे उनको रखना है किस सीजन में डेयरी शुरू करनी है और जो हाई मिल्किंग काउज है उनके लिए फीड कैसा रहेगा और नॉन मिल्किंग है के लिए कैसा रहेगा और दो से तीन महीने के अंदर कोई भी गाय आपकी प्रेग्नेंट होनी चाहिए ब्याने के बाद अन्यथा आपकी जो है घाटे में जाना शुरू हो जाती है उसी वक्त से तो ये सब सीखने के लिए मैं सर के पास आया हाँ फिर सर के पास आके फिर हमने यहाँ पे सर ने फार्म विजिट करने को दिया तो मैं कुछ ऐसी डेरीज पे गया जो यहाँ पे प्रॉफिटेबल था और कुछ ऐसी डेयरी भी देखी जो मैनेजमेंट जाकर सही नहीं था और इन सब बातों पर ध्यान नहीं रखा गया बंद हो तो वो बंद होने की कगार पर है इसमें प्रैक्टिकली नॉलेज लेना बहुत जरूरी है आप किसी भी डेयरी डेयरी खोलेंगे तो आप आप, तो आप, आप, आप ऐसे डेयरी खोलेंगे तो फेल होने की संभावना है बहुत अधिक है छोटी मोटी डेयरी यहाँ पे चलती नहीं है मैंने प्रैक्टिकल किया है की कि लेबर प्रॉब्लम इसमें आती है बड़ी डेयरी खोलेंगे ज्यादा लेबर रखेंगे तो उसमें से तीन या चार बंदे होंगे तो कोई एक जाता है तो आप आपके तीन हैं तो वो देख लेंगे तो इसलिए बड़ी डेयरी खोलें जहाँ तक हो तो इस तरह से मेरे यहाँ ये ट्रेनिंग पे आते रहते हैं हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और सब तरह की ट्रेनिंग है मतलब कस्टमेड ट्रेनिंग है जो जैसे आप खोलना चाहते हैं अब ऐसा हो रहा है बच्चे पढ़ रहे हैं और क्या कहते हैं वो नहीं करना चाहते मान लिए डेयरी तो बड़ी बड़ी डेयरी खिल रही है आदमी ये चाहता है कि कम से कम सौ लीटर दूध मैं रोज पैदा करूँ और छोटे पशुपालक है वो तो ये है कि उनको जॉब मिल जाता है कहीं दस पंद्रह हजार का तो वो डेयरी छोड़ के चले जाते हैं और तो इसमें नया ट्रेंड आ गया है अब साइलेज और भूसा जो है वो पैक्ड मिलता है और सीमेंट भी एक से एक अच्छा वो है मेरे पास ये प्रदीप जी बैठे हुए हैं उपलब्धता कराते हैं साइलेज और भूसे की ये ये पैक्ड भूसा बताएंगे आपको उसके बारे में बताइए हेलो मेरा नाम प्रदीप है और मेरा डेयरी फार्म है हरिद्वार में डेयरी फार्मिंग के साथ साथ हम यहाँ पे साइलेज और जो भूसे की जो समस्या जनरली यहाँ के क्षेत्र में है हम यहाँ पे फार्मर्स को देते हैं तो हमारे साथ हमारे एक फार्मर्स ग्रुप है जिसमें हम जो भी उस ग्रुप में जुड़ा हुआ है उसको साइलेज और फीडिंग की बाकी बाकी अन्य चीजें सप्लीमेंट्स फीड के जो सप्लीमेंट्स होते हैं भूसा है या फीड है हम सब एक साथ मिलकर मंगाते हैं और वो ना उचित दाम में फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं फिलहाल जो हम सप्लाई हैं देहरादून हरिद्वार के क्षेत्र में और यहाँ पे जो हमारे क्षेत्र में समस्या है लोगों के पास यहाँ पे लैंड की कमी है जिसके कारण पूरे साल फीड और भूसा जो आपके पशुओं को चाहिए वो यहाँ पे उन्हें मिल नहीं पाता है तो अभी आपके पास अगर लैंड की कमी या जगह की कमी भी है स्टोरेज के लिए तो आ, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि पैक भूसा और साइलेज मंगाया जाए जिसमें आपको स्टोरेज की समस्या भी नहीं है अगर आप उसे खुला भी रखते हैं तो उसमें भीगने की और हवा से हवा से उड़ने की और खराब होने की समस्या भी उसमें कम आती है तो का है बिना लैंड के भी यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि अगर आप में किसी काम को करने की इच्छा है अगर आप डेयरी के सेक्टर में आना चाहते हैं या पशु पालन में आते हैं और अगर आपके पास अगर जगह की कमी है वो जगहों की कमी के साथ साथ भी आप अपने पशुओं को पाल सकते हैं अगर लिमिटेड स्टोरेज स्पेस भी है तो उसमें भूसा के लिए अलग से स्टोरेज का ज्यादा जगह और फीडिंग के लिए हरा चारा उगाने के लिए एकड़ों की और बीघे अगर आपके पास नहीं है तो आप साइलेज और पैक भूसा पैक भूसा साइलेज का इस्तेमाल करके पशुपालन के क्षेत्र में आगे आप आ सके आपकी शंका के समाधान के लिए की आ, समझ के लिए हम इसके साथ भूसा की फोटो और साइलेज ये किस प्रकार के होते हैं इसमें हम आप आ, दिखा रहे हैं और इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी कुछ चाहिए तो मेरा नंबर नाइन एट डबल वन थ्री फाइव थ्री फोर जीरो फोर है आप मुझे संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपको आ, 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 फीडिंग की और साइलेज और भूसे की जानकारी चाहिए तो मैंने अपना नंबर प्रोवाइड किया बाकी अगर आपको इस पशुपालन के क्षेत्र में आना है तो आ, आपको ट्रेनिंग की ट्रेनिंग के माध्यम से आना चाहिए यहाँ पे आपको ट्रेनिंग की सुविधा है ऑन फार्म विजिट है और आप अगर अपना डेयरी फार्म किसी भी स्तर पे शुरू करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध है फीडिंग को लेके गायों की, 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 की मैनेजमेंट को लेके गायों की बीमारियों को लेके आप अगर इससे आगे भी बढ़ना चाहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के क्षेत्र में भी आना चाहते हैं तो तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध है तो संपूर्ण डेयरी ज्ञान अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आप आप डॉक्टर अथैया सर से संपर्क तो कर बता, सकते हैं बता आप कभी करेंगे तो कोई चार्ज नहीं है हमारा और आपका ट्रेनिंग के ट्रेनिंग के साथ साथ अगर आपका एक डेरी फार्म है आप अगर उसे मैनेज कर रहे हैं अगर उसमें आपको कोई समस्या हो रही है चाहे गायों के मैनेजमेंट को लेके बीमारियों को लेके या रिपीट ब्रीडिंग या कोई अन्य समस्या तो आप डॉक्टर अथैया का नंबर है उनमें आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इसमें कोई भी चार्ज नहीं है बाकी अगर आप ट्रेनिंग चाहते हैं तो वो तो है ही बाकी लेकिन किसी और समस्या के लिए भी अगर आप संपर्क चाहते हैं तो वो भी बिना किसी शुल्क के डॉक्टर साहब उपलब्ध हैं